जी मैम नमस्कार। जी मैम हमारा जो अकाउंट है IPPB में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, उसमें 3 रुपया 93 पैसा कटता है SMS चार्ज का, वो हटा दीजिए उसको। जैसे कि मैं समझ पाई हूँ आपका 3 रुपये 93 पैसे डिडक्ट हुए SMS के चार्जेस, आपको उसको हटवाने हैं राइट? जी डीएक्टिवेट कर दीजिए, हर महीने कटते हैं ना ये चार्ज। निश्चित रहिए पूरी सहायता की जाएगी। माफी चाहूंगी जो भी आपको असुविधा हो रही, जानकारी देने से पहले क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? शमशाद हुसैन जी। शमशाद हुसैन। नाम बताने के लिए धन्यवाद सर। आप खाता धारक बात कर रहे हैं, आप ही का अकाउंट चाहिए? जी 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 जी। अकाउंट की सुरक्षा हेतु क्या मैं आपका अकाउंट नंबर जान सकती हूँ सर? अकाउंट नंबर तो दर्ज किया ना मैम अभी। जी सर, अकाउंट के वेरिफिकेशन होगा तभी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो हाँ ठीक है, दर्ज करिए। ऑथेंटिकेशन कराने के लिए धन्यवाद सर। जैसे कि मैं चेक कर पाई 3 जुलाई 2022 को आपके अकाउंट से जो पैसा डिडक्ट हुआ है 3 रुपीज 93 पैसे जी वो आपके SMS के चार्जेस डिडक्ट हुए हैं सर, जो हर 3 महीने में आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं 10 रुपए 18% GST। तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए ना। जी माफी चाहूंगी सर, ये सर्विस आपकी मैंडेटरी होती है, ये सर्विस बंद नहीं की जाती है। ये मैंडेटरी है? जी सर मैंडेटरी होती है, ये सर्विस बंद नहीं की जाती है सर, ठीक है सर? ऐसा कैसे मैम, मान के चलिए हमारा जो है सब व्यवस्था है ही है, हम अपना बैलेंस वगैरह चेक सब कर ही लेते हैं ऑनलाइन, मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए तो फिर क्या नहीं चाहिए? जी जी सर मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगी सर, ये जो सर्विस होती है सर ये मैंडेटरी होती है, ये सर्विस बंद नहीं की जाती है। तो ये मैं हर महीने में कटेगा? हर महीने में नहीं सर, हर महीने डिडक्ट नहीं होता है, जो ये आपका चार्ज ही डिडक्ट हुआ है जी। मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर देती हूँ, ये जो आपका चार्ज डिडक्ट हुआ है सर जी, 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक का आपका 1 महीने का ये डिडक्ट हुआ है 3 रुपीज 93 पैसे। 1 महीने का? 1 महीने का 3 रुपया 93 पैसा लगेगा, 1 मंथ का? जी जी सर। तो इसके हिसाब से साल का कितना हो गया सर? ये हर 3 महीने में डिडक्ट होता है 10 रुपए 18% GST, यानी कि 11 रुपए 80 पैसे। हर 3 महीने में आपके डिडक्ट होते हैं 11 रुपए 80 पैसे। 11 रुपए 80 पैसे जी सर। तो इस GST मिला करके 11 रुपए 80 पैसे है कि GST हटा करके? नहीं सर, GST आपका मिला करके, वैसे आपका जो चार्ज है 10 रुपए 18% GST, ठीक है सर, 10 रुपए है वैसे आपका चार्ज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो SMS चार्ज आपसे लिया जाता है, आप सोचते होंगे कि जो हमारा पैसा है वो कट क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताते चले, यहाँ पर 3 रुपये 93 पैसे बता रहे हैं ये 1 मंथ का, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर 3 मंथ्स का हो जाता है 11 रुपये 80 पैसे। तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिए 3 × 4 = 12 में, ठीक है, चूँकि 12 महीने का 1 साल होता है, तो आपका हो गया यहाँ पर टोटल, मैं आपको यहाँ पर जोड़ करके बता दे रहा हूँ कितना हो जाएगा आपका 1 साल में, ठीक है, अभी कैलकुलेट निकालते हैं और कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, 11.80 × 4, ठीक है, तो 47 रुपया 2 पैसा कुल मिला करके आपका ये साल में कटेगा, और ये मैंडेटरी है, इसको आप हटवा नहीं सकते हैं। अब आप अगर चाहते हैं या इसमें IPPB में खाता खोलना तो खोल सकते हैं, कई सारे सर्विसेज कई सारे सुविधा इसमें भैया मिल रहा है, हालांकि ये जो पैसे लिया जा रहा है ये फालतू का लिया जा रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि किसी भी बैंक में जाओ तो कहीं पर ATM चार्ज के नाम से, तो कहीं पर आपका जो बैलेंस मेंटेन रखना है उसके नाम से आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं, तो कहाँ इंसान रहे समझ में नहीं आता है, ठीक है। बाकी पोस्ट ऑफिस वाला में मैंने आपको बताया था कि उसमें 500 रुपये आप रख सकते हैं, ठीक है, 500 से कम करेंगे तो आपका उसमें फिर कटेगा, लेकिन 500 आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसमें ऑनलाइन सुविधा वगैरह बहुत सारे ऐसी सुविधा है जो नहीं मिलता है। तो फिर से आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पर 47 रुपया 2 पैसा यहाँ पर साल में कटेगा, हर 3 महीने पर आपको 11 रुपये 80 पैसे कटेंगे, मैम के द्वारा ये बताया गया, और ये सर्विस आप बंद नहीं करा सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कॉल फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुद तो मेरे परिवार का ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।